अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 20 मार्च सन 2024 और इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों आज यहाँ पर जो आने का मकसद है वो ये है कि आज पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA की जानिब से इफ्तारी का अहतमाम किया गया है और उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के नौ मुतलिम सदर हैं जनाब असद मंजूर भट साहब, उनके आज़ाद में आज इफ्तार डिनर दिया जा रहा है और उसमें जो खसूसी शिरकत है वो पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉज़ प्रेम यूनियन के जो मरकजी चेयरमैन हैं जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब और शेख मोहम्मद अनवर साहब, वो उनके हमराह होंगे। तो आज इंशाल्लाह लाहौर रेलवे स्टेशन पर आपको इफ्तारी भी दिखाएंगे और आज सफियान भाई भी जा रहे हैं 5 ग्रीन लाइन पर, तो उनसे भी हेलो भाई थोड़ी सी करेंगे। तो अभी चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर और अभी मैं प्लेटफार्म नंबर 4 पर मौजूद हूँ और इस साइड पे 41 अप और 42 डाउन काराकरम एक्सप्रेस का रैक मौजूद है जो कि कुछ दिन के लिए इसको बंद किया गया है और पैसेंजर की जो ऑक्यूपेंसी है वो बहुत कम थी तो इसी वजह से इसको बंद किया गया। और ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म है और 4 नंबर पर 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का रैक मौजूद है जिस पर काराकरम एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस की जो मुसाफर हज़रात हैं उनको इसमें बिठाया जाएगा। और अभी मैं प्लेटफॉर्म 2 पर मैं आ गया हूँ और अनाउंसमेंट हो रही है जी काराकरम एक्सप्रेस के हवाले से कि उसके जो मुसाफिर हजरात हैं वो रेजर्वेशन ऑफिस से रब्ता करें। और 2 नंबर प्लेटफॉर्म वो काफ़ी सुनसान सा लग रहा है क्योंकि यहाँ से काराकरम एक्सप्रेस निकलती थी चूँकि लाहौर की ग्रीन लाइन है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 28 मार्च को वो दोबारा अपना ऑपरेशन बहाल करेगी। और भी शेख मोहम्मद अनवर साहब जो सदर यूनियन के हैं वो भी मौजूद हैं और मेहमानों का सिलसिला अभी जारी है और अभी कुछ ही देर में जो है वो इफ्तार की जो तकरीब है वो शुरू हो जाएगी। मेहमानों का इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद हैं। और शेख मोहम्मद अनवर साहब जो है वो सदर रेलवे यूनियन उनके साथ जी मंसूर सफरी साहब सदर गार्ड एसोसिएशन के
और हमारे साथ जनाब फरीद साहब भी मौजूद हैं डी सी ओ लाहौर, वो भी पहुंच चुके हैं। बहुत ही नफीस इंसान है जी। और अभी सफरी इकबाल साहब और मंसूर सफरी साहब मौजूद हैं जी अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए। और असद मंदूर भट्ट साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के वो पहुंच चुके हैं। मेहमानों का इस्तकबाल जारी है। पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन CBA की जानिब से पूरा इस्तकबाल किया जा रहा है जी अपने मेहमानों का। और शेख मोहम्मद अनवर साहब और जनाब असद मंजूर भट्ट साहब मौजूद हैं। दो पर मौजूद है बड़ा खूबसूरत बंदा जी।
और असद मंजूर भट्ट साहब और शेख मोहम्मद अनवर साहब और शेख फयाज साहब असद मंजूर भट्ट साहब जिंदाबाद एक मिनट की कसर जिंदाबाद सामने ये बेंच देख के बेंच को देखा तो ये ओके सर देखिएगा ये प्लेटफॉर्म नंबर ओके सर ओके सर राम राम भाई पीछे है भाई पीछे राम से राम से राम एम यूनियन एम यूनियन शेख अहमद साहब अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी मंजूर भट्ट जिंदाबाद मंजूर भट्ट जिंदाबाद मंजूर भट्ट जिंदाबाद जी
मंसूर साहब के तारीख का ये है जनाब मंसूर तफी साहब और मैं गुजारिश करूंगा प्रेसिडेंट सीटी के मंत्री जनरल मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद अहमद साहब से तशरीफ लाए और शुरुआत दिखाएंगे आपको रेलवे मजदूरों की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट पार्क का सदर मुंतखब होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। बातें तो आज हमने आपकी सुनी है। वाटा रेलवे के मजदूर इंतहाई पसमानगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके वो जायज हक जब तक अदालत का दरवाजा ना खटखटाए वो हक इनको नहीं मिलते। खा वो रेलवे के गैंगमैन है, खा वो रेलवे के पॉइंट मैन है, खा वो शटर के मुलाजिम है, खा वो कैरिज के मुलाजिम है, खा वो सिग्नल के मुलाजिम है, खा वो टेलीकॉम के मुलाजिम है, हर कैटेगरी पर आज जुल्म से दम ढाया हुआ है। एक बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने रेलवे को मुबारक समझा हुआ है। रियासत माँ होती है, लेकिन ये कैसी माँ है जो कि आज रेलवे को दिन ब दिन बंद करने की तरफ जा रही है। एक तरफ हमारे से 30 किलोमीटर के फासले पर इंडिया है, जिसने 10 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, 10 बिलियन डॉलर का, और एक रेल है कि इनके पास रेल को देने के लिए 10-20 अरब नहीं है। MLA और सेनेटर्स के लिए बेपना पैसा होता है, लोगों के पास नहीं है, तो इस कौमी अदारे, दफाई अदारे और फलाई अदारे के लिए नहीं है। यहाँ पर फैसलाबाद से वो गैंगमैन भी आए हुए यूनुस भट्ट, इतने बड़ी पास है मेरे यूनुस भट्ट साहब जल्दी आए, हबीब साहब वो भी देख रहे हैं आप इधर। ये हमारे गैंगमैनों के पिटिशनर हैं और भट्ट साहब के लिए आए हैं। और भट्ट साहब आप इधर से चीज लाए, आपको हम सुनने जो प्यार मोहब्बत है जो रेलवे मजदूर जनाब असल मंजूर बरसात से रहता है, अल्लाह पाक इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, इनकी सेहत में बरकत अता फरमाए और ये ऐसे ही गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ते रहे। त्यौहार है जहाँ के रेलवे के जो दोस्त हैं आप जो सब साथी हैं आप सबसे मिलकर जो मेरी इज्जत का दौरा किया है, अल्लाह ताला इसका आपको जो देगा। शेख अनवर साहब जो हमारे हमेशा बड़े भाई भी हैं, उनसे हमारे कायद भी हैं, जब आपस में हर साल हुआ करते थे उस वक्त जब हमारे साथ बात है हम आया करते थे। और ये मैं आपको बताऊं कि रेलवे स्टेशन की बैक साइड पे काशीपुरा फैजबाग कुमार का पिताशी मेरे वहां सब भी लॉयर है इस इलाके से बिलोंग करते हैं। शायद इस वजह से आप सब दोस्त होते मेरी अल्लाह ताला की तरफ से ही एक रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है। रमजान मुबारक के इस मुबारक मौके पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए इज्जत का एहतमाम किया है। मेरे अजीज दोस्तों साथियों गैंगमैन हो कुली हो या कोई भी शख्स हो, सबसे पहले वो इंसान है और उसके बाद कर्मों को मुसलमान है और मेरे अजीज पाकिस्तान के शहरी हो। मैं आज जो आपके सामने हाईकोर्ट बार के सदारों का इलेक्शन जीत के खड़ा हूँ तो उसमें मेरा राय ये था कि हमने बदले अजीज में आइन की, कानून की और इंसानियत की बालादस्ती के लिए ये इलेक्शन का प्रोसेस किया है। और आज अल्लाह ने आपकी दोनों से मेरी इज्जत दी है। हम पहले भी अपने भाइयों के साथ हर जगह पूरी रेलवे में कहीं भी मामला हो, किसी भी जगह जोर और ज्यादा की बात हो तो इंशाल्लाह ट्रेड यूनियन का प्लेटफॉर्म है और शेख अहमद साहब हमारे बड़े भाई हैं, आप सब को जब मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह पूरी ज्यादातारी से ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत ज्यादा का साथ देंगे और इंशाल्लाह जितनी उगला बराबरी है जो मेरे शागिर्द हैं जो मुझे जानते हैं हम सब को समझते हैं कि इस शहर में रहने का, इस मुल्क में रहने का, हक अदा करने का वक्त यह है कि अल्लाह
तकलीफ हो रहा है तो हम आपकी मदद करेंगे। आप यहाँ जिस तरह का किसान है, इंशाल्लाह पूरी तरीके से किसान अपने रेलवे के भाइयों के हकूक का समर्थन करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और दिन के शिकायत करेंगे। अब जहाँ तक शेख अब्दुल साहब ने कहा कि आप दोस्त पापा को छुड़ा दे सकते हैं, यकीन करें करोड़ों अरबों रुपये फीस जो है वो हमें कबूल नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ भाई हो आपकी नौकर को भी चार इससे भी बड़ा काम कर सकते हैं। आने वाले वक्त में अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत रखे और लोगों के लिए रेलवे को जो इंतजार टाइम और गाइड है और आपकी सेवा कर रही है तो साथी में अपनी यहाँ पर श्री जाके मोहम्मदी के साथ एक सारा खाने और इफ्तारी का पूरा इंतजाम है और सब साथियों में सारे यहाँ पर इफ्तारी भी मिलेगी और खाना भी मिलेगा। मेरी तौर से तो गुजारिश है कि समोसे के साथ तस्वीर रखें और ज्यादा भाई हम लोगों को दूर है दोस्तों से आप कपूर के आज अपनी रेलवे मंत्रियों ने यहाँ पर तस्वीर लाए हैं। हम रेलवे प्रेमी जीवी की तरफ से आपको आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपके साथ आने वाले आपके जिले साथियों का समर्थन प्रयास चौधरी हेल्प साहब का वो भी आप तस्वीर लाए। मैं प्रेमी की तरफ सबका बहुत बहुत शुक्र बहुत जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आज मैं स्पेशली तौर पर दावत इफ्तार में आया था मोड रेलवे स्टेशन पर और मेरी दावत इफ्तार थी वो पाकिस्तान रेलवे एम्प्लाइज यूनियन सीबीए की जानिब से दी गई थी और मेरे साथ और भी दोस्त हैं जी वहीद भाई रहमत भाई और शाह जी हमारे साथ हैं, कैवन हमारे साथ है। तो दोस्तों ये थी आज की एक वीडियो और यकीनन आपको पसंद होगी। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।